नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घरेलू उपचार बाटका पर। मैं रघुनंदन कुशवाहा। तो चलिए दोस्तों आज हम आपके लिए एक और चमत्कारी औषधि पौधा लेकर आए हैं जिसका नाम है भृंगराज। तो दोस्तों भृंगराज को आयुर्वेद में रसायन माना गया है और दोस्तों भृंगराज को आम भाषा में भांगरे के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो दोस्तों भृंगराज क्या है जान लेते हैं। तो दोस्तों भृंगराज संपूर्ण भारतवर्ष में पाए जाने वाली औषधि है। तो दोस्तों ये वनस्पति ज़्यादा नमी वाले खेतों में और नदियों के किनारे और सरोवरों के किनारे और हिमालय की तलेटियों में पाई जाती है। तो दोस्तों भृंगराज के औषधि फायदे जान लेते हैं। तो दोस्तों भृंगराज घावों को भरने के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों जो हमारे किसान भाई मजदूर भाई खेतों में वर्षा ऋतु में काम करते हैं तो दोस्तों उनके पानी में रहने के कारण हाथ पैरों में गलकर घाव हो जाते हैं, तो दोस्तों उनको खरमा कहते हैं। तो उसके लिए भृंगराज की पत्तियों को लेकर उनका स्वरस निकालकर घाव पर दिन में 2 या 3 बार लगाने से घाव ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों भृंगराज बालों के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों जिन भाइयों के कम समय में गलत खान पान या गलत रहन सहन के कारण बाल सफ़ेद हो रहे हों या झड़ रहे हों, तो उसके लिए भृंगराज की कुछ पत्तियों को लेकर पीसकर उसका स्वरस निकाल लें और उसमें सामान्य मात्रा में आंवले का रस मिलाकर बालों में लगाने से बाल काले और घने हो जाते हैं, बालों का झड़ना पकना बंद हो जाता है। और दोस्तों भृंगराज का बालों के लिए तेल भी बनाया जाता है जो कि फार्मेसी कंपनियां बनाती हैं। ये तेल मार्केट में आसानी से पंसारी की दुकान से प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों भृंगराज गर्भवती महिलाओं के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों जिन स्त्रियों को बार बार गर्भपात होता है और गर्भ ठहरने में दिक्कत आती है तो उसके लिए भृंगराज की पत्तियों को पीसकर उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पिलाने से बार बार गर्भपात होना बंद हो जाता है। और दोस्तों भृंगराज रक्त प्रदर के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों जिन महिलाओं को ओवर बिल्डिंग होती है, अधिक मात्रा में रक्त स्राव होता है, तो उसके लिए भृंगराज की कुछ पत्तियों को लेकर बारीक पीसकर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पिलाने से ओवर बिल्डिंग या रक्त स्राव बंद हो जाता है। और दोस्तों भृंगराज खूनी दस्तों के लिए एक रामबाण औषधि है। तो दोस्तों उसके लिए भृंगराज की कुछ पत्तियों को लेकर बारीक पीसकर छाछ या दही के साथ लेने से खूनी दस्त बंद हो जाते हैं। और दोस्तों अगर किसी काम करते समय कटने या फटने पर अधिक रक्त या खून निकलने लगे तो इसके लिए भृंगराज की कुछ पत्तियों का स्वरस निकालकर उस स्थान पर लगाने या डालने से तुरंत खून बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये थे भृंगराज के फायदे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और किसी के भी काम आ सके। जय आयुर्वेद।